सब्सक्राइब कीजिए देसी इंजीनियर चैनल को और बेल की घंटी बजा दीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरनेट की पूरी कहानी। इंटरनेट कैसे काम करता है और इसका मालिक कौन है, और ये कैसे रन होता है और कैसे मेंटेन होता है। तो और अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आप तक मेरा वीडियो कैसे पहुंच रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक और चैनल जिसका नाम है केएनपी ब्लॉग्स, उसे भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, वो है इंटरनेट कैसे काम करता है। तो पूरी दुनिया में इंटरनेट केबल्स के जरिए जुड़ा हुआ है। समंदर के नीचे से, पहाड़ों के ऊपर से, और जंगलों के अंदर से सभी जगह केबल्स बिछी हुई है, और सभी कंट्रियां उनसे जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 4-6 जगह से इंटरनेट आता है समंदर के जरिए, जिन्हें लाती हैं टियर 1 कंपनियां, इंटरनेट की टियर 1 कंपनियां, जिनका काम होता है समंदर के अंदर पहाड़ों के ऊपर केबल्स बिछाना। इसके बाद जो टियर 2 कंपनीज होती हैं, उनका काम होता है इंटरनेट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, और टियर 3 कंपनीज को लोक का काम होता है लोकली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इंडिया में VSNL लिमिटेड, जो टाटा की कंपनी है, वो टियर 1 कंपनी है, वो पूरी तरह टियर 1 कंपनी है। उसके बाद जो जियो और एयरटेल है, ये टियर 2 और टियर 1 दोनों ही है, क्योंकि इनका सबमरीन केबल्स भी है और ये डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। इस तरीके से जिस कंपनी का इंटरनेट मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये एक लोकल कंपनी है और ये टियर 3 कंपनी है। तो ये कंपनियां पूरी दुनिया को केबल्स के जरिए इंटरनेट से जोड़ के रखती हैं, और इस तरीके से इंटरनेट चलता है। तो चलिए इस चीज को पूरी डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आईपी पैकेट्स कैसे जाते हैं, आपकी कंप्यूटर से गूगल तक डेटा कैसे पहुंचता है। सारी बातें मैं आपको इस छोटे से प्रेजेंटेशन में, एनिमेशन में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस छोटे से प्रेजेंटेशन और एनिमेशन के जरिए हम समझेंगे कि एक्चुअल में इंटरनेट कैसे काम करता है। तो जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया से केबल्स से जुड़ा हुआ है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सब सबमरीन केबल्स का नेटवर्क है, ये जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये सबमरीन केबल्स से पूरी दुनिया जुड़ा होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे जाकर इंटरनेट पे देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है सबमरीन केबल मैप। तो इसमें आप जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरी दुनिया का जो भी सबमरीन का मैप है। तो इसमें से आप इंडिया में जाके देख सकते हो कि इंडिया में इंटरनेट कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एक लोकेशन है ये मुंबई में आपका इंटरनेट आ रहा है, और इसका जो दूसरा लोकेशन है ये देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ये एक चेन्नई में है, और एक पुडुचेरी में है, और ये एक त्रिवेंद्रम में, और एक कोची में। तो इस तरीके से टोटल 6 जगह से इंडिया में इंटरनेट आ रहा है सबमरीन केबल के जरिए। तो ये इधर सिंगापुर जा रहा है, और इधर ये यूरोप की तरफ जा रहा है, यूरोप और यूएस की तरफ। तो इस तरीके से सबमरीन केबल्स जुड़े हुए हैं जिससे इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। इन इंटरनेट कनेक्टिविटी को, इन सबमरीन केबल्स को टियर 1 कंपनीज मैनेज करती हैं। तो जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं जो सबमरीन केबल्स बिछाती हैं, उन कंपनीज को कहा जाता है टियर 1 कंपनी। उसके बाद जो इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन्हें टियर 2 और टियर 3 कंपनीज कहा जाता है। जैसे अगर हम टियर 1 की बात करें तो VSNL जो टाटा की कंपनी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो टियर 1 कंपनी है। इसके बाद जो दूसरी कंपनीज है जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज टियर 2 हैं। हालांकि कुछ जगह पे एयरटेल वोडाफोन भी टियर 1 की तरह काम करती हैं, क्योंकि इनके भी सबमरीन केबल्स हैं। एयरटेल की अपनी सबमरीन केबल्स है, रिलायंस जियो की भी अपनी सबमरीन केबल्स है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है क्लाउड के थ्रू। तो ये भी पार्शियली ट्रू है, ऐसा नहीं है कि सारा इंटरनेट केबल से ही जुड़ा है। कुछ इंटरनेट है जो सैटेलाइट्स के जरिए भी आता है, सैटेलाइट्स इन द सेंस छोटे एंटीनास के जरिए। इसमें क्या होता है, जैसे US में ये ज़्यादातर यूज होता है, वहाँ के गाँव में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ केबल नहीं बिछाया गया है, क्योंकि वो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे 10-10 5-5 घर हैं, तो उनके लिए उन्होंने
एंटीना के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया है। और ऐसा इंडिया में भी है, आप इंडिया में भी वाईफाई कनेक्शन ले सकते हैं जो एक एंटीना के थ्रू मिलता है। तो उस कंडीशन में ये जो आपको अभी मैप दिख रहा है ये पार्शियली ट्रू है। और जो गूगल्स और फेसबुक जो बलून्स छोड़ते हैं उनके जरिए भी आपको क्लाउड के जरिए इंटरनेट मिलता है, लेकिन इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो होती है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जो मैप अभी आपको दिख रहा है ये एक सिटी के अंदर का है। तो एक सिटी पूरा का पूरा केबल्स के जरिए जुड़ा होता है और जिससे उसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में इंटरनेट के पीछे की डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक मेरा कंप्यूटर है, एक DNS सर्वर है और एक गूगल का सर्वर है। तो मैं अपने कंप्यूटर पे टाइप करता हूँ www.google.com। जब मैं अपने कंप्यूटर पे google.com टाइप करूँगा तो मेरा कंप्यूटर एक IP पैकेट जनरेट करेगा और उस IP पैकेट को अपने DNS सर्वर के पास भेज देगा। तो इस तरीके से जो मेरे कंप्यूटर से एक DNS का पैकेट निकला और वो गया DNS सर्वर के पास। इसने DNS से पूछा कि google.com का IP क्या है मुझे बताओ। तो जो DNS सर्वर है, जो आपके ISP का DNS सर्वर हो सकता है या फिर आप डायरेक्टली गूगल का DNS सर्वर यूज कर सकते हैं, तो वो DNS सर्वर आपके IP पैकेट्स को बताएगा कि जो गूगल की IP है ये है। जब उस पैकेट्स को पता लग जाएगा कि गूगल की IP क्या है तो फिर वो डाटा पैकेट्स गूगल तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से वो डेटा पैकेट्स जब गूगल तक पहुंच जाएगा तो गूगल उस डेटा पैकेट्स को रीड करेगा और वहां से जो भी रिक्वेस्ट है उसे वापस कर देगा। अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप तक वो डेटा पैकेट्स वापस आ जाएगा एक इंफॉर्मेशन के साथ और आपके कंप्यूटर में google.com पेज खुल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट के पीछे का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा और डिटेल मैप है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो कंप्यूटर है वो राउटर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, आपका कंप्यूटर और लैपटॉप, और आपका जो मोबाइल है वो आपके मोबाइल टावर के जरिए जुड़ा हुआ है। तो आपके कंप्यूटर से ISP तक एक केबल है और आपके मोबाइल से ISP तक आप उसके टावर तक वायरलेसली जुड़ रहे हो और वायरलेसली आगे आपका जो टावर है वो ISP के सर्वर से जुड़ा हुआ है। तो ISP मतलब जो कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे जो भी इंटरनेट कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस जियो, इन कंपनीज के सर्वर तक आपकी कनेक्टिविटी केबल के जरिए पहुँच रही है। उसके बाद ISP आगे पूरी दुनिया से सबमरीन केबल्स के जरिए सभी सर्वर से जुड़ा हुआ है। ISP इस तरीके से विदेशों के सभी सर्वर से, गूगल, याहू, फेसबुक, सब सर्वर से सबमरीन केबल के जरिए जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये मैप आपकी कनेक्टिविटी पहुंचती है गूगल तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आपके कंप्यूटर से कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है, आपने google.com टाइप किया अपने कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर से सिग्नल गया राउटर तक और राउटर से ISP के कंप्यूटर तक। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल आपका वायरलेस होगा, तो मोबाइल से आपकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो टावर तक है और टावर ISP का केबल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो आपके सिग्नल्स हैं दोनों ISP तक पहुंच गए, मोबाइल्स के जरिए भी और कंप्यूटर्स के जरिए भी। अब जब दोनों कंप्यूटर के जरिए आपके सिग्नल्स ISP तक पहुंच गए तो जो ये आपका ISP का सर्वर है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपका डेटा पैकेट्स है, जो आपका IP पैकेट्स है, उसे वो आगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। अगर आपने google.com सर्च किया है तो ये पैकेट्स गूगल तक पहुंचना चाहिए। तो अब इस तरीके से जो आपका ISP है उस डेटा पैकेट्स को google.com तक भेज देगा। पहले DNS सर्वर पे जाएगा, फिर DNS सर्वर उसको एड्रेस बताएगा और DNS सर्वर से वो आपका IP एड्रेस के जरिए IP पैकेट्स आपका गूगल तक पहुंच जाएगा और गूगल उसकी रिप्लाई आपको दे देगा। और ये जो कनेक्टिविटी हो रही है अभी सबमरीन केबल्स के जरिए, पहाड़ों के जरिए हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सबमरीन केबल है जिसे समंदर के नीचे डाला गया है। अब कोई भी ट्रैफिक जो इंडिया से, अगर आपने गूगल का सर्वर सर्च किया तो आपने US में
ट्रैफिक भेजा, आपने आपकी जो डेटा पैकेट्स थी वो यूएस गई। तो इस तरीके से सबमरीन केबल्स के जरिए समुंदर के नीचे से पहाड़ों के ऊपर से होते हुए केबल्स के जरिए आपका जो डेटा पैकेज था वो गूगल तक पहुंचा और वहां से आपको रिटर्न में मिल गया जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते थे। अब इन जब वापसी में आईएसपी तक आपका डेटा आ गया पैकेट्स, फिर आईएसपी आप तक उसी तरीके से वापस भेज देगी। अगर आप कंप्यूटर से यूज कर रहे हो तो केबल के जरिए आपके तक डेटा पैकेट्स आ जाएंगे, और अगर आप मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हो तो उनके टावर तक केबल के जरिए आएंगे और टावर से आपके मोबाइल फोन तक वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ को और ज़्यादा आप ट्रेस करो कि आपका डेटा कहाँ कहाँ से जा रहा है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सिंपली ये कमांड यूज कर सकते हो, traceRT www.google.com या जिस भी वेबसाइट को आप ट्रेस करना चाहते हो उसको, और जैसे आप इंटर कर दोगे आपको ये चीज़ दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो google.com की आईपी है वो है 172.217.160.228, तो इसको ये ट्रेस कर रहा है। तो इतने होप्स में ये जो दिखा रहा है, ये 7 होप्स दिखा रहा है, तो 7 होप्स यानी कि 7 राउटर्स के जरिए ये डेटा गूगल तक जा रहा है। तो अब आप इसे ट्रेस भी कर सकते हो। अगर आपको इसे ट्रेस करना है तो जो पहला ऑप्शन है वो ये मेरा अपना आईपी है डिफ़ॉल्ट गेटवे का। इसके बाद जो दूसरी आईपी है, चलिए मैं इसे देखता हूँ कि ये कहाँ का है। इस आईपी को मैं चेक करता हूँ, इसके लिए मैं इंटरनेट पे जाऊँगा और मैं इस वेबसाइट पे इस आईपी एड्रेस को डालूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो मुझे इसका लोकेशन पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडिया का दिल्ली का ही आईपी एड्रेस है, ये इंडोफोन कंपनी का आईपी एड्रेस है जो कि दिल्ली का ही है। अब आगे हम देखते हैं अगला जो एड्रेस है वो कहाँ का है। अगला एड्रेस भी, ये भी 33 और 34 है, तो ये भी इसी कंपनी का ही लग रहा है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ये भी उसी कंपनी का आईपी है। अब इसके बाद तीसरा जो आईपी है उसे भी हम देख लेते हैं। ये जो 45 का आईपी है ये किसका है। ये भी इंडिया का ही है लेकिन ये कंपनी चेंज हो गया। इसमें दिखा रहा है एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड सर्विस, तो ये अब ये एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड तक मेरा जो कनेक्शन है वो पहुंच गया। अब इससे आगे का और देखते हैं जो नेक्स्ट आईपी है वो किसका है। यहाँ पे देख दोस्तों, ये आईपी सीधे यूनाइटेड का कैलिफोर्निया और इसका जो ओनर है वो google.com है। तो जो मेरी आईपी अब google.com तक पहुँच गई, जो मेरा रिक्वेस्ट था वो google.com तक पहुँच गया। तो एक और आईपी है, इसे भी देख लेते हैं कि ये किसका है। तो ये भी google.com का ही होगा। तो ये भी गूगल का ही आईपी है और जो लास्ट आईपी है वो तो गूगल का है ही। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को आप ट्रेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इंटरनेट को रन करने के लिए कौन से डिवाइसेज हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं। जैसे टावर्स हो गया, BTS हो गया, BTC हो गया, उन सब डिवाइसेज के अलावा जो मेन डिवाइसेज हैं दो, वो हैं राउटर और सर्वर। जो राउटर्स होते हैं इनका काम होता है
इंटरनेट पैकेट को इंटरनेट ट्रैफिक को रास्ता दिखाना। तो ये जो आप पहले नंबर पे देख रहे हैं ये राउटर्स का काम होता है आईपी को रास्ता दिखाना। इसके बाद दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सर्वर। सर्वर का काम होता है डेटा को स्टोर करना और वेब पेज को स्टोर करना और उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। जो भी यूजर्स की रिक्वेस्ट होती है उसे रिप्लाई करना सर्वर का काम होता है। तो ये आपके डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे सर्वर्स रखे जाते हैं, जहाँ पे राउटर्स रखे जाते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े डेटा सेंटर्स टेलीकॉम कंपनीज बनाती हैं। अगर अभी बात करें तो गूगल के बहुत बड़े बड़े अपने डेटा सेंटर्स हैं, फेसबुक के अपने डेटा सेंटर्स हैं और सभी टेलीकॉम कंपनीज के अपने डेटा सेंटर होती हैं। जैसे एयरटेल का नोएडा में डेटा सेंटर है और उसके कई और जगह में भी डेटा सेंटर है। ऐसे ही वोडाफोन के, आइडिया के और जियो के सभी के अपने अपने डेटा सेंटर्स होते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। वैसे इंटरनेट का कोई भी एक मालिक नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो आईएसपी कंपनीज का होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो आईएसपी कंपनीज हैं वो इंटरनेट का मालिकाना हक रखती हैं, क्योंकि उनके बिना इंटरनेट नहीं चल सकता। लेकिन अब बात आती है कि जो एक्चुअल में डेटा है वो कैसे ट्रेवल करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो आईपी का पैकेट से वो कैसे ट्रेवल करता है। तो अभी मेरे पास दिल्ली से मुझे चेन्नई तक डेटा भेजना है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आईपी आपका जो कंप्यूटर है वो आईपी पैकेट जनरेट करेगा और उसे सेंड कर देगा। तो वो आईपी पैकेट्स कहीं से भी जा सकता है। जो आईपी पैकेट्स होता है उसको ले जाने का काम करता है टीसीपी, और टीसीपी उस पैकेट्स को टुकड़ों में तोड़ देता है और हर टुकड़े में एक सीक्वेंस नंबर डाल देता है, और उस सीक्वेंस नंबर को डालने के बाद वो आईपी पैकेट्स को आगे भेज देता है। तो जैसे ही मैंने google.com टाइप किया, मेरे कंप्यूटर से आईपी पैकेट्स इस तरीके से केबल्स के जरिए हैदराबाद होते हुए चेन्नई तक पहुँचा। अब एक पैकेट्स मेरा हैदराबाद होते हुए गया तो ज़रूरी नहीं कि सारे पैकेट्स हैदराबाद होके जाएं, तो जो दूसरे मेरे पैकेट्स हैं वो बेंगलोर होके भी जा सकते हैं या किसी और रास्ते से भी जा सकते हैं। और ये सारी जो कहानी हो रही है ये मिलीसेकंड्स में हो रही है। तो इस तरीके से जो मेरे सारे पैकेट्स थे वे चेन्नई पहुंच गए। जब वहां पहुंच जाएंगे तो सिक्वेंस नंबर के थ्रू उन सभी पैकेट्स को एक वे में, एक सिक्वेंस में जोड़ के फिर उसे आगे प्रोसेस कर दिया जाता है, तो उसे सर्वर प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से टीसीपी आईपी की कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो केबल्स होते हैं वो कौन से यूज होते हैं। जो सबमरीन केबल्स होती हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये डेटा को लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कराते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर एक मटेरियल होता है जिसे आप ऑप्टिक मटेरियल कह सकते हैं। उस ऑप्टिक मटेरियल के जरिए जो इंटरनेट का डेटा जाता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है, इसलिए ये काफ़ी फास्ट होता है। और जो सबमरीन केबल्स होती हैं वो सभी आपके फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, लेकिन अभी जो हाई स्पीड इंटरनेट आ रही है यूजर्स के घर तक उसमें भी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज किया जा रहा है। जैसे जो जियो का जियो फाइबर आ रहा है उसमें आपके घर तक फाइबर केबल ही आएगा, जो कि एक पतला फाइबर केबल होगा। और जो दूसरा केबल यूज होता है वो होता है एसटीपी केबल। ये जो एसटीपी केबल है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करता है और इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में आपका इंटरनेट ट्रेवल करता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इंटरनेट काम करता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अभी भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो ख्याल रखना दोस्तों अपना, मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।